आवास हो जाता है। कह तो रहे हमें पता है, उससे पूछो उससे। अरे पुलवामा में पूछो ना, कहाँ से आई 350 किलो RDX ढोंगी से, और नहीं बताता मार मार के पूछो उससे। जो लोगों की भविष्यवाणी करता है कि आपके साथ ये होगा, और वो इसकी भविष्यवाणी नहीं कर पाए कि इतना बड़ा रेल हादसा होने वाला है और 300 लोग मरे। आप जो है ना, ना तो गाड़ी का इस्तेमाल करेंगे, ना बाय एयर कहीं जाएंगे, ना जो है आप माइक का इस्तेमाल करेंगे। आप उड़ के भाई, आपके देवी देवता काल्पनिक उनके जो है किसी का जो है ना उड़ान थी उनके जो है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुबीन अहमद और आप देख रहे हैं रॉ वॉइस। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि मैं आपको बागेश्वर बाबा के बारे में बहुत बड़ी हकीकत बताने जा रहा हूँ, जो कि मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा और आप सब देखेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो के चलने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि बागेश्वर बाबा ऐसे हैं जो बहुत सारे पेशेंट को यहाँ करते हैं। कुछ ऐसे तुक्के लगाते हैं जो सही भी हो जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो खराब हो जाते हैं। जो खराब हो जाते हैं, लोग उसके अदब में उनको नहीं बताते कि ये आप गलत बोल रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बागेश्वर बाबा को शुरू से ही गलत मानते हैं। हिंदू धर्म में बागेश्वर बाबा एक पंडित माने जाते हैं, और बहुत सारे हिंदू इसे सही कहते हैं और बहुत सारे हिंदू इसे फ्रॉड कहते हैं, जबकि बहुत सारे लोगों ने तो इसे एक्सपोज भी किया है। दोस्तों जैसे आपको पता होगा कि हिंदुस्तान में एक ट्रेन हादसा हुआ था जिसमें बहुत सारे हिंदू मरे थे, इसके मुतालिक भी बहुत सारी अफवाहें फैली थी, और बागेश्वर बाबा ने क्या कहा था, आइए हम इस वीडियो में देखते हैं। उसके बाद जब डॉक्टर जाकिर नायक साहब से कुछ सवाल पूछे गए इसी चीज़ से रिलेटेड, तो उन्होंने कुरान और सही हदीस की रोशनी में बड़े खूबसूरत तरीके से बयान किया, और इवन उन्होंने हिंदू धर्म की जो किताबें हैं उनसे रिलेटेड भी हवाले दिए इस मुतालिक। तो आइए इस वीडियो में देखो। पूछो उसे, अरे पुलवामा में पूछो ना, कहाँ से आई 350 किलो RDX ढोंगी से, और नहीं बताता मार मार के पूछो उससे। अरे तो पता था, तो रेलवे हादसा पता था, इसने क्या कहा फिर? कला कृष्ण जी को भी पता था महाभारत होगा, तो वहां तो धर्म और अधर्म की लड़ाई थी, रोके इसलिए चुप थे। ये कौन से धर्म और अधर्म की लड़ाई थी? यहाँ यहाँ कौन सा युद्ध हो रहा था? ट्रेनों में कौन सी अधर्म वाली ट्रेन थी और कौन सी धर्म वाली ट्रेन थी, और कौन सी दूसरी ट्रेन थी? तो कहाँ का युद्ध हो रहा था जो धर्म और अधर्म के न्याय की बात कर रहा है? ये ढोंगी को ये नहीं पता, पाखंडी को, कि मुझे बोलना क्या चाहिए, समझे? नहीं कहाँ कहाँ से ये चूतिए बने बैठे हैं बागेश्वर बाबा बाबा, और फिर कहते हैं आस्था को ठेस पहुँच रही है। अबे सोच समझ के बोल, लोगों के बच्चे मर गए, नौटंकी खड़ता फिर रहा है, तो यह आवाज था तो बचाता ना, या मारने के लिए बैठा हुआ? ढोंग मत कर, नहीं तो और बता दे कितने हादसे होने वाले हैं, बता जरा, मैं तू एक भी नहीं बता पाएगा। हाँ हाँ, तू पैदा होने से पहले भी तू आ गया होगा, तू आवाज हो गया होगा, किसके यहाँ पैदा हो रहा है, तू कब आएगा, कब क्या करेगा, और इस जन्म के बाद भी कहाँ पैदा होगा ये भी बता दे। अरे ढोंगी पाखंडी, देश के ऊपर बैठ के कहाँ कहाँ से, ये देश की स्थिति यही होगी। इसमें वो बागेश्वर धाम भी होना चाहिए जो लोगों की भविष्यवाणी करता है कि आपके साथ ये होगा, और वो इसकी भविष्यवाणी नहीं कर पाए कि इतना बड़ा रेल हादसा होने वाला है और 300 लोग मरे। कहाँ चले गए आपके बाबा जो सबका भविष्य बता रहे हैं, और कहाँ चले गए आपके पंचांग जो हर चीज, जब आप पार्लियामेंट का भी उद्घाटन करते हो तो पंचांग देख के करते हो, तो इससे बड़ी मनहूस पनौती, इससे बड़ी मनहूस पनौती कुछ नहीं हो सकती कि आप पार्लियामेंट का उद्घाटन एक मनहूस व्यक्ति के नाम पे करते हो। कि भारत में अगर दाढ़ी वाला आतंकवादी है तो एक भगवा रंग वाला भी है। मैं ये देखता हूं कि आपके प्रधानमंत्री जब ये कहते हैं हम जो कपड़ों से पहचान लेते हैं, तो मैं ये कहता हूं कि मैं आपके तिलक से पहचान लेता हूं। तो जब आप ये कहते हैं कि आतंकवाद, तो आतंकवाद का भारत के अंदर कोई रूप नहीं है। अभी मैंने कहा था धीरेन्द्र शास्त्री को कि आप एक काम करिएगा, आप जो है ना, ना तो गाड़ी का इस्तेमाल करेंगे, ना बाय एयर कहीं जाएंगे, ना जो है आप माइक का इस्तेमाल करेंगे। आप उड़ के भाई, आपके देवी देवता काल्पनिक उनके जो है किसी का जो है ना उड़ान थी उनके जो है, ऐसे ऐसे रथ थे उनके पास जो हवा में उड़ के और वहां पे प्रकट भी हो जाते थे। देखा होगा आपने महाभारत जो टीवी में चलती है, कैसे जो है नाम लिया और वो प्रकट हो गए। तो धीरेन्द्र शास्त्री ऐसे प्रकट क्यों नहीं होते? क्यों वो गाड़ी का जो है पेट्रोल प्रदूषण बढ़ा रहे हैं, पेट्रोल के दाम वैसे ही बढ़ रहे हैं, तो क्यों खर्च कर रहे हैं वो? दूसरा, माइक लगा के बात करते हैं। मैं आपके चमत्कार को मानूंगी अगर बिना माइक के आप 10वें बंदे तक भी उनकी आवाज सुनवा दे कि वो बोल क्या रहा है, तो मैं मानूं कि धीरेन्द्र शास्त्री चमत्कारी है। खुद तो विज्ञान का यूज कर रहा है, और तो
औरतों को जो है पाखंड में घुसाया। देखिए सबसे ज्यादा काम ये औरतों पे करते हैं। बागेश्वर धाम क्या करता है, महिलाओं को ऐसे बोल जप्पी मारेगा, उससे मीठी मीठी देख बात करेगा, है ना, तो उनको ये लगता है देखो बाबा कितना वो कर रहा है, क्योंकि बाबा रोज तो रह नहीं रहा, रोज वो लड़की रह रही थी तो कहता नहीं 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 जाओ आप, तो बाबा कभी कभी मिल रहा है, प्यार से बात कर रहा है, जप्पियाँ मार रहा है, इतने में ही महिलाओं की थकान उतर जाती है। समझो हिंदू मुस्लिम है या ईसाई मुस्लिम है, सारे वर्ल्ड में तो ये गलत नहीं है। और दूसरा एक बात बताने का है कि कई सालों पहले जब अयोध्या का वो हो गया था तो जाकिर नायक ने मुझे बताया था कि अगर कोई हिंदू है मदद चाहता है तो मैं करेगा, हम लोग तभी मुझे बोला था, तो यही असली भाईचारा है ये आलमी। महेश भाई, महेश मेहता भाई जो है माशाल्लाह हमारे इदारे, जब इदारा शुरू हुआ था 1991 में, उस वक्त से माशाल्लाह आ रहे हैं, और उस वक्त जो कोई हमारे लाइब्रेरी में से सबसे ज़्यादा जो वीडियो कैसेट लेता था कोई मुसलमान भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता था माशाल्लाह। आज वो कह रहे कि रिटायर्ड है लेकिन टायर्ड नहीं है। रिटायर्ड है लेकिन टायर्ड नहीं है माशाल्लाह, अभी भी हर कॉन्फ्रेंस में हमारे आते हैं और अक्सर सवाल पहले पूछते और कहते हैं कि मैंने उस वक्त कहा था और अब भी कहता हूँ, अगर कोई हिंदू की मदद करना, हर इंसान की मदद करना फ़र्ज़ है, चाहे हिंदू हो या ईसाई हो या मुसलमान हो, और अब भी माशाल्लाह हिंदुओं की मदद करते हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। और ये जो कॉन्फ्रेंस है, ये कॉन्फ्रेंस सबकी मदद कर रहा है, मुसलमान की भी, ईसाई की भी, हिंदू की भी। जहाँ तक आपका सवाल है, और बहुत अहम सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, कि इस्लाम में किसी दूसरे का कत्ल करना गलत है, फसाद फैलाना गलत है, मासूम का कत्ल करना गलत है, चाहे हिंदू या मुसलमान हो, लेकिन आज की तारीख में धर्म की बुनियाद पर कत्ल हो रहा है हिंदू मुस्लिम में, और इतना कत्ल हो रहा है कि जितना वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में नहीं हुआ। और जो आप कहते हैं मैं बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन ये बात जो हो रही है बिल्कुल गलत है, इस बुनियाद पे नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हम ये कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हैं? अगर हिंदू मुसलमान को सही तरीके से समझे और मुसलमान हिंदू को सही तरीके से समझे तो ये लड़ाई मिट जाएंगी। और आपने मेरे लेक्चर सुना होगा, इस टेररिज्म मुस्लिम मोनोपोली, ये टेररिज्म मुस्लिम मोनोपोली जो है उसमें मैंने कहा कि कोई धर्म नहीं सिखाता दूसरे धर्म वालों का कत्ल करना। अब भगवद गीता पढ़ो, वेद पढ़ो, कुरान पढ़ो, बाइबल पढ़ो, ये नहीं सिखाता। लेकिन मेरे नज़दीक ये मोनोपोली जो टेररिज्म की है वो है पॉलिटिशियनों की। ये पॉलिटिशियन लोग जो है ये आम तौर पे भड़काते हैं लोग को धर्म की बुनियाद पर, और हम मासूम लोग उनके भड़काव में आ जाते हैं। आप जो देखेंगे जितने दंगे फसाद हुए, चाहे गुजरात में हो, चाहे अयोध्या में हो, चाहे बॉम्बे में हो, इसकी बुनियाद कौन थे? पॉलिटिशियन। वो गरीब को उकसाते हैं, वो बेचारा गरीब अपने खुद के धर्म के बारे में नहीं जानता है और वो इनको भड़काते हैं, इसीलिए ये दंगे फसाद होते हैं। और इस देश में, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा दंगे फसाद होते हैं धर्म के नाम से। इसीलिए इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए अभी आप माशाल्लाह आप हमारे वहाँ इदारे में आते, कॉन्फ्रेंस में आते, आपको इस्लाम धर्म से बिल्कुल शिकायत नहीं। कोई मुसलमान अगर आपके खिलाफ होगा, कुछ आपको तकलीफ देगा, तो बेशक आप उसके खिलाफ होते, लेकिन ओवरऑल आपको इस्लाम के बारे में कोई गलत फहमी नहीं होगी तो आप मुसलमान से अच्छे तरीके से बर्ताव करेंगे। जहाँ तक कि मैं जानता हूँ आप माशाल्लाह मेरे साथ हमेशा अच्छा बर्ताव करें और इंशाल्लाह करते रहेंगे। तो इस गलतफहमी को दूर करने के लिए ऐसे कॉन्फ्रेंस मेरे हिसाब से और होना चाहिए, जिस तरीके से कुरान मजीद में कहा गया है तालविला कलिमतिन सवा इम बैन बैनकुम, सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, आओ उस बात की तरफ जो आप और हमें यकसा है। इख्तिलाफ तो रहने वाला है, हम इख्तिलाफ के ऊपर बहस ना करें, जो यकसानियत है उसके बारे में बात करें। मैं चाहूँ तो एक लंबी तकरीर कर सकता हूँ डिफरेंस बिटवीन इस्लाम एंड हिंदुइज्म, डिफरेंस बिटवीन इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी, ये मैं चाहता भी नहीं हूँ और करूँगा भी नहीं, क्योंकि मैं अमन चाहता हूँ,
तो अमन की बुनियाद एक दूसरे को समझने के बाद ही हो सकती है। और ये समझे कि हमारा ईश्वर एक है, हमारा पालने वाला एक है, हमारा खालिक एक है, और अगर हम एक ही खालिक की इबादत करें और उसी को माने तो ये धर्म की बुनियाद पर फसाद बिल्कुल मिट जाएंगे। और मैं चाहता हूँ कि आप जैसे लोग और इस्लाम को पढ़े, मुसलमान हिंदू धर्म को पढ़े, एक दूसरे को समझे और कम से कम यकसानियत पे अमल करें। जो इख्तिलाफी बातें हैं उसके बारे में कल डिस्कस कर सकते हैं, आज कम से कम यकसानियत पे अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ये दंगे फसाद बंद होंगे और ये कत्ल एक दूसरे का धर्म की बुनियाद पर बंद हो जाएगा। अच्छा, मेरे लिए मैं बता दूं कि मैं हिंदू मुस्लिम में भेद नहीं रखता हूं, और मैं कई मुस्लिम यतीम खाने पूरे इंडिया में वहाँ डोनेशन दिया है। मैं जकात तो नहीं बोलेगा क्योंकि मैं मुस्लिम नहीं है, तो मैं भेद नहीं करता हूँ, समझा? माशाल्लाह महेश भाई, वही तो मैं कहता हूँ, अगर बाकी हिंदू भी आपकी तरह इस्लाम को जाने और समझे तो इंशाअल्लाह ये नफरत मिट जाएंगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और बहुत ही पसंद आई होगी। तो अपनी कीमती राय से हमें कमेंट में जरूर आगा कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।